मैं कल्पना अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बच्चे और बड़ों दोनों को ही पसंद आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। पनीर लबाबदार बनाने के लिए यहाँ टोटल में 300 ग्राम पनीर का यूज कर रही हूँ, जिसमें से 250 ग्राम पनीर मैंने क्यूब्स में काटे हैं और 50 ग्राम पनीर का मैं ग्रेवी में कद्दूकस करके डालूंगी, क्योंकि इसका जो एक टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी रहता है, जैसे कि हमारे मुंह में घुल जाए जाते ही। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बटर, 1/2 टी स्पून शुगर, 1 टी स्पून गर्म मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी, यहाँ पर मैंने 1/2 टी स्पून लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून कश्मीरी मिर्च लिया है, टोटल 1 टी स्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी क्रीम का यूज करेंगे हम, फ्रेश क्रीम का। आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई का भी यूज कर सकते हैं। टमाटर 3 मीडियम साइज के मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। प्याज 3 मीडियम साइज के मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ऑयल यहां मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, खड़े मसाले में 2 तेज पत्ता, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, या आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो आप जो है पाउडर कश्मीरी मिर्च का ही अमाउंट बढ़ा सकते हैं, 7 से 8 काजू, ये मेलन शीट्स लेंगे हम, मगज 1 टीस्पून, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल। बटर के मेल्ट होते ही हम डालेंगे इसमें जीरा, 2 लौंग, 2 लौंग का यूज मैं बाद में करूंगी, 4 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची। इलायची दोनों ही मैंने डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, ट्रांसलूशन ही करना है, उसे ब्राउन करके फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूशन होने तक ही हमें इसे पकाना है। प्याज ट्रांसलूशन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, काजू, सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और मगज मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, नमक और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, 1/4 कप के करीब।
लिड लगाकर 5 से 7 मिनट तक होने देंगे। तो 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, चलिए देख लेते हैं। ये पूरा तैयार हो गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ये ठंडा हो चुका है, चलिए इसे पीस लेते हैं। तो मैं इसे एक मिक्सी के जार में इसे निकाल लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप वाटर, पूरे मसाले को अच्छे से निकाल लेंगे हम। चलिए इसे पीस लेते हैं। यहां इसे मैंने पीस लिया है, चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में छान कर। इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और सारा मसाला मैं निकाल लूंगी अच्छे से। अब हम गैस ऑन करके सेम पैन में डालेंगे ये बचा हुआ बटर, थोड़ा सा ऑयल, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और वो जो बचा हुआ बटर था वो यूज किया है। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ये सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। व्हाइट मिर्च पाउडर, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि मिर्च जल ना जाए। अब हम ये डालेंगे इसमें मसाला, ये जो मैंने पीसा हुआ था। मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई किया मैंने, इसे हाई फ्लेम पर ही हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। तो मसाला भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुका है, मैं गैस के फ्लेम को लो कर रही हूँ फिर से और अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ ये पिंच ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिला देंगे हम। अब डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, और इसमें ये बचा हुआ पानी डाल दूंगी मैं मसाले का। मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक के हमें 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर होने देना है। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर, मिक्स कर देंगे इसे। डालेंगे हम ये शुगर और ये कसूरी मेथी क्रश करके। मैंने इस कसूरी मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, आप भी इसे ऐसे करके ही डालिएगा, इससे एक अच्छा अरोमा ऐड हो जाता है इसमें। हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स,
हिला देंगे इसे। और डालेंगे थोड़ा सा, हाफ कप पानी है ये मिला देंगे। इसे ढककर हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे। तो यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं, मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेश क्रीम डालेंगे, टू टेबल स्पून मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम का यूज कर रही हूँ। हरी धनिया और ये पनीर लबाबदार हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मिला लेंगे और फिर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। थोड़ी सी धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए पनीर लबाबदार हमारी बनकर एकदम तैयार है। मैंने इसे सर्व भी कर लिया है, तो आप भी इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।